हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की पर्टिकुलर वीडियो अब तीन शेयर से रिलेटेड हम बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस कर रखी है। जो इस चैनल से कनेक्टेड है उन्हें पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ओके। और उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि एक जब शेयर गिरते हैं तो क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर डरने लग जाते हैं और डर के मारे वो शेयरों को निकालने लग जाते हैं, बेचने लग जाते हैं, लॉस में बेच देते हैं, अपर लेवल पर खरीदे होते हैं और फिर लॉस में निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर होते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ ये एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। इसी स्ट्रैटेजी के कारण रिटेल इन्वेस्टर कभी मार्केट से पैसा नहीं बना पाते और HNIs, FIIs, DIIs जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो मार्केट से बेइंतहाशा पैसा बनाते हैं। और के और वो पैसा कौन सा होता है? वो पैसा वही होता है जो आप लोगों का होता है, क्योंकि कोई मार्केट में लॉस करता है तो ऑब्वियसली बात है किसी की जेब में पैसा जा रहा है, और किसी की जेब में कोई और लॉस करता है तो कोई और वहाँ पर प्रॉफिट करता है। तो इस यही पूरी एक साइकिल है। इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते उससे रिलेटेड बातें करेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफी वीडियो बना रखी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये वीडियो IRCTC, हिंदुस्तान फूड्स और अडानी गैस से रिलेटेड है, क्योंकि ये शेयर ही काफी गिरते हुए हमें आज नजर आए हैं। एज वेल एज बात करें नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी यहां पर नीचे आपको आज वीडियो दिखाई देंगी। अगर बात करें यहाँ पर फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वीडियो है, अडानी गैस और अडानी और वॉलमार्ट से रिलेटेड एक डील थी, एज वेल एज वैक्सीन एक नई वैक्सीन आ रही है उससे रिलेटेड वीडियो है। और आपको बताना चाहता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर डोनेट करें ताकि एक पुण्य काम में मदद हो सके। इनकी वेबसाइट में यहाँ पर आपको ले जाएगा, ओके। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है श्री एंजल ब्रोकिंग के साथ, आपका अगर ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है। एज यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्री में अकाउंट ओपन होगा, कोई चार्ज देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो की तरफ। तो हम बात करने वाले सबसे पहले IRCTC। कल भी IRCTC से रिलेटेड वीडियो बनाया था एक, और उसमें मैंने आपको बताया था कि IRCTC इज वन ऑफ द गुड स्टॉक, ओके। और ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ये है एक इन्वेस्टिंग स्टॉक। इन्वेस्टिंग स्टॉक मतलब क्या होता है? क्योंकि मार्केट में एक ट्रेडिंग स्टॉक होता है, एक इन्वेस्टिंग स्टॉक होता है। ट्रेडिंग स्टॉक जिसमें हलचल ज़्यादा होती है, ओके, और इन्वेस्टिंग स्टॉक वो होता है कि हमें एक बार खरीद लिया तो हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शेयर हमें पता है आगे चल के ब्लास्ट करने वाला है, अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो अगर बात करें वन डे का चार्ट पैटर्न, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हुई है, लगभग 8% 9% गिरावट है। 141 रुपये एक दिन में, वो भी IRCTC का गिरना, ओके। क्या आपको पता है लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ है, ओके, कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। बट डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीक पर भी खरीद रखा है ये शेयर, अगर बात करें यहाँ 2073 रुपये तक गया था, ओके। अगर किसी ने 2073 में भी ये शेयर खरीद रखा है ना, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में आप रखिए, लंबे टाइम तक रखिए, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। ये मल्टी बैगर स्टॉक है और इसका जो मोनोपोली बिजनेस है, कोई और दूसरा बिजनेस करता ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैंने भी ये शेयर लगभग यहाँ पर खरीदा था और यहाँ तक गया था, मैंने नहीं बेचा, ओके, अच्छी खासी क्वांटिटी है बट मैंने नहीं बेचा। मेरे जो जिनका पोर्टफोलियो मैं हैंडल करता हूँ उनका भी मैंने नहीं बेचा, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि ये शेयर कोई नहीं। इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला ही यही है कि आप बेच दोगे तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेच देता अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, इट्स फाइन। बट अगर ये यहाँ से, आपको नहीं पता ना कि मार्केट कब ऊपर चली जाएगी कब नीचे चली जाएगी, अभी नीचे चला गया तो लोग सजेशन देने लग जाते हैं कि हम शायद यहाँ बेच देते, और मुझे भी लगता है कि शायद हम यहाँ पर बेच देते, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट का असूल है कि क्या कहते हैं, मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता कि कल में कब होगा। अगर कल का मुझे पता होता ऑब्वियस सी बात है मैं मार्केट का सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान होता और मैं ही यहाँ पर सब कुछ खरीदता बेचता अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। बट मुझे कुछ नहीं पता कि कल के दिन में मार्केट क्या जाएगा, कल के दिन मार्केट ज़्यादा डाउन खुलेगी, ओके, या फिर अप खुलेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, किसी को नहीं पता। किसी को भी आप वॉरेन से भी पूछोगे तो उन्हें भी नहीं पता, ओके, और वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उन्हें भी नहीं पता। तो उनसे भी यही क्वेश्चन अगर किसी कोई पूछता है तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज मार्केट में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जब ये शेयर गिरते हैं ना,
तो मल्टी बैगर स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है, ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, ये इनका गिरना ओके ये बड़ी बड़ी मेहनत से गिरते हैं, ये मेहनत इन द सेंस बड़े रेयरली गिरते हैं, और ये जब गिरते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में देंगे, और इन्वेस्टर कम से कम 3 से 5 साल का आप ले के चलिए हॉराइजन, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। आज के दिन भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2073 मैक्सिमम और 1190 रुपये के साथ में को था, और ये नीचे और भी गिर सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें 1,43,379 शेयर के लगभग यहाँ पर खरीदते हुए हमें नज़र आए आज के दिन में डिलीवरी बेसिस पे, क्योंकि इतने नीचे लेवल पर ये शेयर मिल रहा है, 2000 से नीचे आया है ये शेयर। अगर बात करें 24-25% की गिरावट इस शेयर में ऑलरेडी हो चुकी है, तो डरने की जरूरत नहीं है, एक्युमुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मौका है कि इस तरीके के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो, और नीचे आए बाइंग डिप्स करिए अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 62 का ROCE है, अगर बात करें यहाँ पर अच्छा खासा इनके पास बैलेंस शीट है, रिजर्व्स अच्छे हैं, कोई डेट फ्री कंपनी है ओके, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश फ्लो अच्छा खासा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, गवर्नमेंट है, DIS ने ले रखे है, और कल वीडियो बनाई थी तो बताया था म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी ऊपर लेवल पर ले रखे है, बट गिर गया शेयर, और ये गिरने लोग गिराते हैं, HNIs गिराते हैं और डर के मारे रिटेल बेच देते हैं, और फिर उन्हें का अच्छा खासा लॉस होता है। इसके अलावा बात की जाए हिंदुस्तान फूड्स आपको बताना चाहता हूँ, PLI स्कीम के अंतर्गत आया है। दूसरी बात बताऊँ तो अगर लॉकडाउन लगा भी तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट्स की, तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है इस कंपनी पर, ये एज इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग करता रहेगा, ये कंपनी बंद नहीं होने वाली, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिए है इस कंपनी ने, इसलिए ये NSE का है, BSE में आप देखिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न दिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ये गिरता हुआ नजर आया, गिर रहा है, मौका है, खरीद सकते हो ओके, रिजल्ट के टाइम पे भागेगा, 67% की डिलीवरी, 10,000 शेयर, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड ही नहीं होती, ट्रेड होने लग जाए 1,00,000 क्वांटिटी तो बिकती हुई नजर आएगी। देखिए 465 का शेयर था, 2500 तक गया था, मेरे पोर्टफोलियो में भी है ओके, मैंने नहीं बेचा क्योंकि मुझे पता है कि इसका फ्यूचर क्या है ओके, अच्छा खासा शेयर है, स्मॉल कैप कंपनी है नो डाउट, बट स्मॉल कैप कंपनी ही मिड कैप कंपनी बनती है, लार्ज कैप कंपनी बनती हुई नजर आती है। फंडामेंटल्स एकदम फंटास्टिक, ROCE की बात करें 17 के ROCE पे, डेट थोड़ा सा डेट है वो भी अभी लिया है, कोई प्लेजिंग नहीं है ओके, 2000 के लगभग यहाँ पर शेयर चल रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखा रहा है प्रॉफिट में, देखिए सेल्स में कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टरली वाइज ईयरली वाइज प्रॉफिट नेगेटिव से प्रॉफिट पॉजिटिव में बढ़ रहा है, रिजर्व्स अच्छे खासे है ओके, यहाँ पर बोरिंग है वो भी, अभी इन्होंने बोरिंग लिया था लास्ट, अगर बात की जाए यहाँ कैपेक्स में यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े इनके क्लाइंट है, HUL बात की जाए यहाँ पर, US पोलो एज वेल एज ITC, ये बड़े मारिको यहाँ पर, ये सारे के सारे गोदरेज कंज्यूमर सारे इसके इसी से अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, FIIs इसमें भरे हुए हैं, DIS ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ बढ़ा रखी है, पब्लिक की बात करें पब्लिक है, HNIs है, तो क्यों इस तरीके के शेयर बेचना। इसके अलावा अडानी गैस, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि अडानी गैस देखिए मैंने तो एग्जिट कर लिया है आज के दिन, क्योंकि मुझे दूसरे शेयर में अपना इन्वेस्ट करना था, तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो ये शेयर है थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, बट बेहतरीन शेयर है, अडानी ग्रुप का एकमात्र शेयर है जो कि कोई भी प्लेजिंग नहीं है, जो कंसिस्टेंसी अपने प्रॉफिट में दिखा रहा है, जो कंसिस्टेंसी अपने रेवेन्यू में दिखा रहा है, लार्ज इसका चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है ओके, यहाँ पर गिरा है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी के पास है कि मैंने भेज दिया तो आप भी भेज दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपनी खुद की स्टडी करिए, जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर सकता है, जिसने अपर लेवल पर यहाँ पर खरीद रखा है 1200 रुपये तक गया था यहाँ पर खरीद रखा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नीचे है तो बाय ऑन डिप्स करके एक दो क्वांटिटी करके एवरेज करने की कोशिश करना, तो ये शायद 1-2 महीने के कंसोलिडेशन फेज पे आ सकता है या रिजल्ट के टाइम पे ये भागता हुआ नजर आ सकता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करें 52 वीक लो की, 90 रुपीज़ का शेयर चलता था 13 अप्रैल को, अगर बात करें यहाँ पर एक साल में 1249 रुपये पे ये शेयर गया था, अगर बात करें यहाँ पर आज के दिन भी देखिए 14,31,891 यहाँ पर शेयर डिलीवरी बेसिस पे लगभग 47% यहाँ पर उठाए गए हैं। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की 1,20,000 मतलब मार्केट कैप लार्ज कैप है, थोड़ा सा ही डेट है, और बात करें डेट है और प्लेजिंग की बात करें कोई भी यहाँ पर प्लेज नहीं आया, एकमात्र शेयर अडानी
ग्रुप का जिसमें कोई भी प्लेजिंग नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, कंसिस्टेंसी है सेल्स में। अगर बात करें प्रॉफिट, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी यहाँ पर है। अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, बोरिंग है, थोड़ी बहुत बोरिंग है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, अडानी ग्रुप का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 75% शेयर प्रोमोटर्स DIFIs बड़ा पड़े हैं, DIIs थोड़ी सी है, पब्लिक के पास अच्छे खासे है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसका जो लेवल आता है गिरने का, तो यहाँ पर ये गिर सकता है 1600 रुपए तक आ सकता है, बट यहाँ पर और भी क्रॉस नीचे कर दिया है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, तो ये शेयर अभी इस अगला लेवल जो होगा, तो यहाँ पर 1462 रुपए के लगभग यहाँ पर लेवल होता हुआ नज़र आ रहा है अगर गिरा तो। और ये गिर रहा है तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझिए, इसे बिल्कुल भी बेचने की कोशिश मत करिएगा। बहुत अच्छे है, आपको 32 के RSI पे मिल रहा है शेयर, बेहतरीन शेयर है, डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसे एक्युमुलेट करने वाला हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें हिंदुस्तान फूड्स की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हिंदुस्तान फूड्स के रिलेटेड भी देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान फूड्स का भी जो RSI अगर हमें नज़र आ रहा है, वो काफ़ी फेवरेबल है, 43 के RSI पे मिल रहे हैं। रिजल्ट के टाइम पे ये भी भागता हुआ शायद हमें नज़र आएगा, 2500 तक तो जाएगा ही जाएगा। और ये तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इसी तरीके से कंसोलिडेट करता है, एक साथ भागता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और जब ये भागना शुरू करेगा, अच्छा खासा भागेगा, और FMCG सेक्टर का है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मल्टी बैगर रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को दिया है। बाकी बात करें अडानी गैस की, तो अडानी गैस का फिर बताना चाहता हूँ, सेम कहानी है अडानी गैस की, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए। तो अडानी गैस में प्रॉफिट बुकिंग हुई, लास्ट टाइम भी होती देखी थी मैंने, तब भी बताया था डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अगले दिन भागा था। ओके, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ रही है, कोई इशू नहीं है, कोविड का इशू चल रहा है इसी वजह से। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है और थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद की स्टडी करके इसमें थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करके एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन जिस दिन भागेगा अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज अगर आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार से पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें फैमिली क्रिएट करनी है ताकि हम इस तरीके की नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।